अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम देखते हैं व्हाट इज स्मॉग, व्हाट आर इट्स काजेज, टाइप्स एंड इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। स्मॉग बेसिकली है क्या? इट इज एन एयर पोल्यूशन। इट इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन जिसमें केमिकल पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब केमिकल पोल्यूटेंट्स तो गैसेस भी डिस्पर्स हैं। ये जस्ट जो गैसेस ही नहीं, बेसिक जो पोल्यूटेंट्स वही हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नॉक्स जिसे हम कहते हैं NO और NO2 और सॉक्स SO2 और SO3। उसके अलावा ये ऑक्साइड्स एयर में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं उन्हें हम स्मोक कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एयर पोल्यूशन की थ्रू आउट द वर्ल्ड। आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है जब जो है मौसम स्विच होता है, गर्मियों से सर्दी की तरफ ठंडा थोड़ा सा होता है। पाकिस्तान में भी स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ 4-5 साल पहले जो है इतना वेल नोन ये वर्ड नहीं था। तो ये वर्ड जो है स्मोक डिराइव किया गया है स्मोक से, SM जो है वो स्मोक से ले लें, OG जो है वो फॉग से ले लें, या G अकेला फॉग से ले लें। हम जो है काजेज ऑफ फॉग भी देखेंगे 2-3 लाइंस में। दो टाइप्स हैं, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। क्लासिकल स्मोक, इट अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में क्लासिकल स्मोक होती है और ये रिड्यूसिंग इन नेचर है, इसे रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। दूसरी है फोटोकेमिकल स्मोक, जहां पे भी स्मोक का जो है कंटेंट्स आएगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्मोक जरूर पूछा जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मेन जो चीज है, क्वेश्चन है, वो यही है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्मोक क्या होती है। दूसरी है फोटोकेमिकल स्मोक, इट अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो काजेज ऑफ फॉग पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्मोक पे दोबारा फोकस करते हैं। फॉग जिसे धुंध कहते हैं सबके लिए नोन है, बनती कैसे है? Fog begins to form when water vapor condenses into tiny liquid water droplets that are suspended in air. उसे भी इसके साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये उसके साथ कंबाइन करती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम दोनों काज करती हैं। ये तो सबको पता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, ड्रॉपलेट ये छोटा एक ही बात है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं मिस्ट की तरह जो है, जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं। एज द एयर कूल्स, जी ये है 2 लाइंस, एज द एयर कूल्स ड्यूरिंग द लॉन्गर नाइट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। हवा में जब नमी इंक्रीज होती है और जो है हवा ठंडी होती है, गर्मी में तो पॉसिबल नहीं है, सर्दियों में रातें भी लंबी होती हैं और जो है ठंड भी होती है, इसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है वो कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होगी तो डेफिनेट बात है वो लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज फॉग। दिस अकर्स फ्रॉम एडेड मॉइस्चर इन द एयर आर फॉलिंग एम्बियंट एयर टेम्परेचर। दोनों होनी चाहिए, मॉइस्चर भी होनी चाहिए और एयर टेम्परेचर कम भी होना चाहिए। एक चीज जो यहाँ पे MCQs में कभी भी पूछ ली जा सकती है वो ये है जी, फॉग फॉर्म्स व्हेन डिफरेंस बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट इज लेस देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा रहे 3, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एयर का टेम्परेचर, और ड्यू पॉइंट जिस पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ड्यू बनती हैं, ड्यू ऑस कहते हैं, या शबनम के कतरे जो रात को पड़ती है, ठीक है, सर्दियों गर्मियों में होती रहती है, जब ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या हम कह लें 4.5 डिग्री फारेनहाइट, ये एमसीक्यू आ सकता है, तो तब जो है फॉग प्रोड्यूस होती है। और खत्म कब होती है? जब व्हेन सन राइजेज एयर एंड ग्राउंड वार्म्स अप, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, डेफिनेट बात है वो वाटर जो है ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। काजेज ऑफ स्मोग, स्मोग क्या है? ग्राउंड लेवल ओजोन एंड फाइन पार्टिकल्स आर रिलीज इन द एयर ड्यू टू कम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो सॉलिड होंगे वो तो एयर में नहीं जाएंगे, जो वॉलेटाइल होंगे, वॉलेटाइल नहीं, वेपर्स जिनके बन सकते हैं, उनका रिएक्शन सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का जो रिएक्शन होगा, उनमें जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो स्मोग कहलाएंगे। द मेन सोर्सेज ऑफ दीज प्रीकर्सर आर पोलूटेंट्स रिलीज डायरेक्टली इन टू द एयर बाय मेजर कौन से फैक्टर्स हैं? डीजल गाड़ियां, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, और यहां पे भी हीटिंग होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट भी है। इन सनलाइट एंड हीट दीज गैसेज एंड फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफेयर फॉर्म स्मोग। द टाइम दैट स्मोग टेक्स टू फॉर्म डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। ये पहली टाइप्स है, इसके चार नेम्स हैं, ये पता होने चाहिए। इंडस्ट्रियल स्मोग, इंडस्ट्रियल स्मोक को क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। क्लासिकल का वैसे मतलब होता है ओल्डर, पुरानी, या लंदन टाइप स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि 1920s के राउंड अबाउट लंदन में बहुत ज्यादा हैवी स्मोक हुई थी, जो जहां सबसे पहले जो है ये प्रोमिनेंट हुआ था इशू। लंदन स्मोक, लंदन टाइप स्मोक या लंदन स्मोक, और सल्फ्यूरस स्मोक है ये। ये भी हो सकता है कि मेन कंपोनेंट इंडस्ट्रियल या क्लासिकल स्मोक का सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, और ये रिड्यूसिंग इन नेचर है। ये चार पांच चीजें हमने दे दी हैं, ठीक है। जो लास्ट ईयर लेक्चर का टेस्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि मेन कंपोनेंट्स क्या हैं स्मोक के, दो तीन चार दिए गए थे, उसमें से कुछ थे कंपोनेंट्स, कुछ नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा ये तो अक्सर आता है कि जो है मुझे आगे देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टर्म्स क्यों यूज की गई थी। बेसिकली ये जो मिक्सर है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, तो इसलिए इसे रिड्यूसिंग कहा गया था। दूसरे वाली में मेजर कंपोनेंट वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर के हैं। इसमें कुछ पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर थोड़ा, कोई मैटर, कोई सॉलिड पार्टिकल जो एयर में चले जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, उसमें सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट के पार्टिकल्स हो सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन एरिया वेयर हाई वाटर वेपर्स एंड हाई लेवल ऑफ सल्फर एमिशन। ये हमने पढ़ा कि मॉइस्चर जहां पे ज्यादा होती है वहां पे ये इंडस्ट्रियल या क्लासिकल स्मोग है। सल्फर ऑक्साइड्स डिजोल्व टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड इन एटमोसफेयर। दूसरा कंपोनेंट, इसमें मेजर कंपोनेंट सल्फर के ऑक्साइड के अलावा दूसरा इसमें जो कंपोनेंट है, बाकी ऊपर भी लिखे हैं हमने कि फ्लाई ऐश है, सूत है, स्मोक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं, H2SO4 जो है, ये भी सारे कंपोनेंट है, लेकिन दूसरा जो है इसमें कंपोनेंट मेजर है वो है कार्बन के पार्टिकल। व्हाइल कोल सूत डार्कन्स द स्काई, कार्बन के पार्टिकल्स जो के स्मोक के साथ ऊपर जाते हैं वो भी इसका मेजर पार्टिकल है। दिस टाइप ऑफ स्मोक काजेज डार्क ब्राउनिश कलर ऑफ एटमोसफेयर।
इसके रिएक्शन है, जब जब कंसंट्रेशन कम होगी तो कोलिजन थ्योरी यही है कि रिएक्शन तभी होता है जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, वो तभी ज्यादा कोलाइड करते हैं जब उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, तो जब कंसंट्रेशन हाई होगी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो OH फ्री रेडिकल से, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल है, इससे HSO3 बनेगा, ये ऑक्सीजन से मिलके, ऑक्सीजन से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कोई तीसरा फोन पार्टिकल होगा जिसे M कहते हैं, हम अब यूं लिख लें M, कोई भी तीसरी फोन बॉडी कोई भी है, तो ये HO2 ये फ्री रेडिकल है, HO2 जो है ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, HO2 फ्री रेडिकल और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको पता वाटर के साथ मिलके H2SO4 बनाती है जो कि एसिड रेन होती है। दूसरा है कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एयर के साथ मिलके जिन सारे ये क्वेश्चंस के जवाब इसमें हैं, सल्फर जो है सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, उसके बाद तीसरा जो है कि सल्फर के कुछ पार्टिकल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जब बर्न करते हैं कहीं पे भी बर्न, सल्फर जब भी बर्न होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, पहला ये रिएक्शन जो है ये एयर में नहीं होगा, ये वाला जो है सल्फर प्लस ऑक्सीजन वाला रिएक्शन जो है वो एयर में नहीं होगा। ये देखें ना, यहां पे देख लें, ये कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये रिड्यूसिंग की नेचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग नेचर की होती है, कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग नेचर है कार्बन की, क्यों, कार्बन कहीं से भी ऑक्सीजन ले सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिड्यूसिंग नेचर होती है, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहीं से ऑक्सीजन ले सकती है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है, रिडक्शन की समझ आ गई है। तो नेक्स्ट जो है और क्या पॉसिबिलिटी के सल्फर डाइऑक्साइड जो है फ्री रेडिकल के जरिए नहीं भी जो स्टार्ट में है पहला रिएक्शन, जो उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है जो कि वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, और अगर एयर में कहीं पे अमोनिया भी हो, अमोनिया भी गैस है एयर में हो सकती है हालांकि, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अमोनिया जो है ना इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह से कहीं नहीं निकलती, अमोनिया जो है वो एनिमल्स की जो एक्सक्रीशंस वगैरह हैं उन्हीं में से जो है अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनमें भी अमोनिया भी एक कंपोनेंट होता है और एनिमल्स में ज्यादा होता है, ठीक है, और यही अमोनिया जो है वाटर के साथ मिलके जो है यूरिन यूरिया की फॉर्म में हमारे पेशाब की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाती है ना बॉडी से। अमोनिया प्लस H2SO4, ये अमोनियम सल्फेट सॉल्ट है, इसके पार्टिकल जो हैं ये भी एयर में हो सकते हैं ना, ये एयर ये कुछ जो हैं ये हमने एसिड रेन में भी डिस्कस किए हुए हैं। अब इसकी रिमेडी क्या है, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि सल्फर के ऑक्साइड जो है एयर में ना जाए तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब सल्फर जहां पे भी बर्न होगी वहां पे सल्फर ऑक्साइड तो प्रोड्यूस होना ही है, तो उसका हल ये है कि जहां पे चिमनीज हैं, जो भी चिमनीज हैं जहां पे एग्जास्ट होता है, चिमनी लगाई जाती है ना घरों में भी होता है, किचन वगैरह में, इंडस्ट्रीज में तो चिमनियां आप सबने देखी होंगी, तो उस चिमनी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो कोटिंग कर दी जाती है। जब वो कोटिंग हो जाएगी तो उनके साथ मिलके क्या बना लेंगे, उनके साथ मिलके जो है कैल्शियम सल्फाइड और मैग्नीशियम सल्फाइड बना लेंगे, ये सॉल्ट हैं, ये चिमनी के अंदर ही स्टक हो जाते हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे।
क्लासिकल स्मोक जो है वो रिड्यूसिंग क्यों है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, आप यूं कह लें। दूसरी है फोटोकेमिकल स्मोक, नेम से शो होता है, फोटो लाइट केमिकल, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं। पहला पॉइंट है ये, इसमें ये इसकी जो है कोर कह लें, पहला पॉइंट है इट इज प्रोड्यूस्ड और बिगिन्स टू फॉर्म, कब होती है, जब सनलाइट हो, एक कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक का, सनलाइट जो है पहला कंपोनेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो दूसरा कंपोनेंट है, वो दूसरा कंपोनेंट है, और उसके अलावा तीसरा कंपोनेंट कम से कम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं भाई, घरों से, सुई गैस जो है वो लीकेज हो जाती है, प्रोपेन गैस वगैरह जो है जो एज अ फ्यूल यूज होती है, ब्यूटेन है, ये गैसेस हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे बहुत से कंपाउंड जिनके वेपर्स बनते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, गैसेस हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्वेंट्स वगैरह हैं, ये जो लाइटर्स होते हैं गैस, सिगरेट लाइटर्स वगैरह, इनमें ब्यूटेन वगैरह फिल होती है, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें होनी चाहिए, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपस में रिएक्ट करते हैं। इट इज ब्राउन हेजी फ्यूम एंड इट इज स्पेशली कॉमन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सेकेंडरी रिएक्शन दूसरा, तीसरे क्या है कि ये प्राइमरी रिएक्शन होंगे, उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन होंगे। सेकेंडरी रिएक्शन अभी हम देखते हैं वो क्या होंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सनलाइट में, सनी डेज में ऑर्गेनिक पारऑक्साइड बनाते हैं और ओजोन बनाते हैं। भैया ओजोन जो है पोलूटेंट है, ओजोन पोलूटेंट कब होगा, जब लोअर एटमॉस्फेयर में होगा। अपर एटमॉस्फेयर में ये हमें प्रोटेक्टिव शील्ड देता है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में ये पोलूटेंट है, ये आइस वगैरह को जो है इरिटेट करता है, लंग्स वगैरह को डैमेज करता है। पहला रिएक्शन क्या होगा, एज द सन राइजेज यूवी विजिबल, सनलाइट में यूवी अल्ट्रावायलेट भी होती है, विजिबल भी होती है, ठीक है, विजिबल का कोई मसला नहीं होता, अल्ट्रावायलेट जो होती है वो हार्मफुल होती है, तो ओजोन उन्हें रोकता है बेसिकली, लेकिन फिर भी कुछ पहुंचती है। NO2 मॉलिक्यूल्स आर वेरी गुड अब्सॉर्बेंट अब्सॉर्बर्स ऑफ यूवी विजिबल एंड स्टार्ट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ये है जी सीरीज ऑफ रिएक्शंस, सबसे पहला रिएक्शन है NO2 और यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या आप सनलाइट कह लें, यहाँ पे सनलाइट को शो करते हैं एच न्यू के साथ, तो ये बनता है NO और O, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और O क्या है, फ्री रेडिकल है ये, O या फ्री रेडिकल कह लें आप इसको, नेसेंट ऑक्सीजन कह लें, ज्यादा बेटर है, फ्री रेडिकल नहीं। फिर नेक्स्ट है ये ऑक्सीजन एटम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में, गैसेस जो है ना सिवाय नोबल गैसेस के, बाकी जो डाइटॉमिक फॉर्म में होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में काफी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म ओजोन, ओजोन बनती है, ये पोलूटेंट है, एक चीज ये बन गई, ये पोलूटेंट है। उसके अलावा ओजोन देन रिएक्ट्स विद NO, अगर ओजोन वैसे ही रहेगी तो भी पोलूटेंट है, या ये NO के साथ मिलके NO ऊपर वाले रिएक्शन से, मीन ऊपर वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन ने ओजोन, नेचुरल ऑक्सीजन बनी सबसे पहले रिएक्शन में, तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना लिया, और जो NO बनी वो ओजोन के साथ मिलके NO2 और O2 बना लिया, ये NO2 फिर दोबारा ऊपर चली गई जो है, ऊपर जाके जो है इसने पहला रिएक्शन फिर स्टार्ट कर दिया, NO2 अगेन अब्सॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड एंटायर साइकिल स्टार्ट्स अगेन। इसके अलावा ये तो यही साइकिल है ना बस, इसके अलावा कुछ अल्डिहाइड कीटोन या हाइड्रोकार्बन जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ मिलके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये RC का मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन, जर्मन फार्मूला लिखा है, RC कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना, R के साथ CH3 हो या R के साथ C2H5 हो या कुछ और हो, अदरवाइज RC कुछ नहीं, RC जनरल हमने लिख दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि बुक्स में बार बार लिखा होता है, तो ये यहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने, आगे एक मैकेनिज्म दिया है, ज्यादा मैकेनिज्म नहीं दिए ताकि जो है वो जो है आपके लिए इशू ना बने।
नेक्स्ट जो है, अब ये आरसीओ के लिए आप असाइल फ्री रेडिकल, असाइल क्या होता है, असाइल है आर सी डबल ओ, आर के साथ, आर के साथ आप जब कार्बोनाइल लिखते हैं तो वो जो है वो आपके पास असाइल बन जाता है, असाइल ग्रुप, फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन सबने पढ़ी हुई है आपने। ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन गया। ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलके आर सी ट्रिपल ओ, आर सी ट्रिपल ओ क्या है, परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल बन गया। उसके साथ ओ एक होता है तो इस तरह एस्टर केसर वगैरह में होता है, दो हो तो उसे कहेंगे पार एसिड कहेंगे। ये हमारे पास आर सी ट्रिपल ओ, एक कार्बन ऑयल, दो ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे आगे, इस तरह एस्टर एसिड वगैरह में होता है, फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, यानी कि हमने बताया कि वो जो पहला फ्री रेडिकल बना आर सी ओ, बाकी वो फर्दर रिएक्शन करता है। ये पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके आर सी डबल ओ फ्री रेडिकल बनाएंगे। आर सी डबल ओ में अब यूं कह लें, आर के यहाँ पे सी एच थ्री हो तो क्या होता है, एसीडेट होना, सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव होता है, एसीडेट आयन होता है ना, तो ये एसीडेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फर्दर जो है एनओ टू के साथ मिलके आर सी ओ टू एनओ टू बनाता है, आर सी ओ टू एनओ टू अडक्ट बना लेता है। अब ये यहाँ पे एक जो है तीसरा रिएक्शन जो है इसमें, ये इसमें जो है जो है ये बंद हो गया था तो सेव नहीं कर सका। आर सी ओ टू फ्री रेडिकल है, एनओ टू भी फ्री रेडिकल होता है, एनओ टू का स्ट्रक्चर याद हो ना आपको, एनओ टू, एनओ टू में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एन पे ओ पे नेगेटिव, फ्री रेडिकल होता है, ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बॉन्ड बन जाएंगे, आर सी ओ टू एनओ टू, यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं रहेगा प्रोडक्ट में। नेक्स्ट होगा पार ऑक्साइड या पार एसिड फ्री रेडिकल जो है आर सी ओ थ्री प्लस एनओ टू, ये भी फ्री रेडिकल होगा, आर सी ओ थ्री एनओ टू बनता है, पी ए एन कहते हैं यहाँ पे इसे। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था जॉब्स जो है, जॉब का टेस्ट जो था, आर सी ओ थ्री एनओ टू ये फ्री रेडिकल नहीं है, आर सी ओ थ्री ये जो है व्हाइट कलर में जो है डायग्राम है इसमें मैकेनिज्म दिखाया गया है। जी इसमें मैकेनिज्म देख लें आप, क्या है मैकेनिज्म, पहले अल्डिहाइड है आर सी, जिसे हमने कहा ना आर सी अल्डिहाइड है, फ्री रेडिकल है ये, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, एच ओ टू फ्री रेडिकल, एच ओ टू फ्री रेडिकल, एच की जगह पे आर भी हो सकता है या आर ओ टू फ्री रेडिकल, इसके साथ मिलके एच निकलेगा तो एच टू ओ टू बन जाएगा, ये निकल जाएगा। आगे देखें सी एच थ्री सी ओ, ये व्हाइट कलर की डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पी ए एन, फॉर्मेशन ऑफ पी ए एन ये हम डिस्कस कर रहे हैं, सी एच थ्री सी ओ फ्री रेडिकल, ये ओ टू के साथ मिलके सेकंड रिएक्शन में ये बनाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे सिंगल बॉन्ड दो हैं ओ और ओ फ्री रेडिकल, ये हैं पर एसिड फ्री रेडिकल जो ऊपर बने हुए। अब ये दो तरह के रिएक्शन दे सकता है, ये एनओ टू के साथ मिलके, एनओ टू के साथ मिलके पर ऑक्सी एस्टेक नाइट्रिक एनहाइड्राइड ये कह लें इसे, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कह लें, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पी ए एन, पी ए एन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कोई, ठीक है,
ये हैं जी PAN, ये मेजर कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का। इसमें देखें जो है कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने देख लेना है। हाँ जी, आगे रिड्यूसिंग की बात कर ली हमने, ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O3, ओजोन की प्रेजेंस में या NO2 की प्रेजेंस में, NO2 भी ऑक्सीजन दे सकता है, ओजोन भी ऑक्सीजन दे सकती है, दिस स्मोग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये सबसे नीचे रिएक्शन है, पार एसिड फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोकार्बन, ये ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको याद हो तो FSC में भी इसी सीक्वेंस से दिया गया है, जो पहले है ऑक्सीडेशन से अगला चैप्टर बनता है, उससे अगला रिड्यूस करेंगे तो बैक आ जाएंगे। ये है जी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट एक्टिविटीज से, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और NO और NO2 जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ये सेकेंडरी प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं O3 और PAN। अब अगर आ जाए जी कि इसके मेजर कंपोनेंट कौन से हैं, इसमें तीसरा हो सल्फर डाइऑक्साइड भी हो फोटोकेमिकल स्मोक का, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड इसमें वो नहीं आएगा। या जो कार्बन के पार्टिकल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के पार्टिकल हैं या सूत है या कोल है, तो वो भी इसका कंपोनेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। मेन काजेज ये हमने हेडिंग्स की फॉर्म में लिख लिए हैं कि काजेज क्या हैं। आगे तो पहले केमिस्ट्री डिस्कस कर ली ना कि वो केमिस्ट्री में जो पहले कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं जी जहां पे भी कोल एज अ फ्यूल यूज होगा, व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन से, ओवर पॉपुलेशन एंड एक्सेसिव कंजप्शन से। मुझे एक्सेसिव कंजप्शन से बचना चाहिए, मीन बिजली चल रही है तो चलती रह रही है, ठीक है बिजली तो चल रही है, हमें तो बिल कम आता है जो भी है, लेकिन जो है बिजली कहाँ से आ रही है, वो कोल प्लांट से है कोई, जो भी कोई प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ से भी, तो वो तो प्रॉब्लम काज कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर कहीं बाहर है एसी चल रहा है जी हमारा, तो हमें ओवर हमें अगर बिल नहीं भी आ रहा उसका या कोई और भी है तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली तो जो एसीज हैं या जो फ्रिजेज हैं घर में चल रही हैं या घरों के में चूल्हा जल रहा है सुई गैस का, अल्टीमेटली तो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है ना। एनवायरनमेंट में अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग कमरे के अंदर या घर के अंदर उसका बिल नहीं आ रहा या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको घर से जब बाहर निकलेंगे एनवायरनमेंट तो फेस करना पड़ेगा ना। एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्शन, चीजें फेंकते जाते, खाना है जी फेंक दिया, वो खाना कहीं गले सड़ेगा, बर्न होगा, जो भी है चीजों की वेस्ट जो है। फायरवर्क्स, हमारे तो फायरवर्क्स अब जो है शुल्लियाँ पटाखे जो है वो कम कर दिए गए हैं क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की पाबंदियां हैं, वरना जो है कुछ आप 2-4 साल पहले देखें आपको आइडिया है कि शबरात पे या शादियों वगैरह पे क्या होता था, लेकिन कुछ दुनिया में अभी भी फायर वर्क होता है न्यू ईयर नाइट्स वगैरह पे वो, और वो बहुत बड़ा होता है, वो यानी कि पूरी दुनिया में फेमस है, इतना ज्यादा होते हैं वो। बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर मटेरियल, हाँ, और ये फसलें हैं काट ली उसके बाद उसको आग लगा दी, वो आपने देखा होगा, अगर गाँव से ताल्लुक है तो बार बार लिखते हैं एग्रीकल्चर वाले के फसलों को बाकी जो बचता है उसको आग नहीं लगाएं, आग नहीं लगाएं, ठीक है। अभी ये स्मोक होना शुरू हो जाएगा तो उसमें वो बार बार कहा जाता है कि फसलें जो बाकी बची खुची हैं उसको आग ना लगाएं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में नेचुरल कॉजेज भी होते हैं कोई, यानी कि जो जहाँ पे वो कह रहे हैं लावा है या वो इस तरह के पहाड़ों जहाँ से लावा निकलता है वहाँ पे सल्फर वगैरह भी होती, तो वो ही हाई टेम्परेचर पे वो सल्फर के ऑक्साइड वगैरह भी बन जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर जाती हैं। इसके इफेक्ट्स क्या हैं, हम इन इफेक्ट्स के ना मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे कि फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड जो है वो ब्लड के या हीमोग्लोबिन के साथ कैसे रिएक्ट करके क्या बनाएगी, हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट बेसिक्स देख रहे हैं क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं।
डेफिनेट बात है, एयर पोल्यूशन जो है ना, ये थोड़ा जनरल भी आ रखे हैं, एयर पोल्यूशन सारी की सारी एक ही तरह की गला खराब करेगी, सारी एयर पोल्यूशन जितनी भी एयर पोल्यूशन है, कफिंग, एलर्जी होगी, आईज को इरिटेट करेगी सारी, चेस्ट होगा खराब, नाक, गला, ये सारे एयर पोल्यूशन ये काज करती हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड और एक्रोलीन बनती है, एक्रोलीन भी एल्डिहाइड है। दूसरा क्या हो सकता है, एग्रेवेशन ऑफ एस्थमा, एस्थमा दमा जो है, जिस सांस के मसले हैं वो ज्यादा हो सकते हैं आजकल, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है ना ये देखें तो, ये हर एक का इंडिविजुअल जो है, हर बच्चे का इंडिविजुअल, हर जो सोसाइटी में रहने वाला बंदा है उसका ये फर्ज है कि वो एनवायरनमेंट को साफ रखे। नबी सल्लम की हदीस मुबारक है कि रास्ते का भी हक है, रास्ते का ये हक है कि उसको साफ रखा जाए, यानी ये नहीं घर साफ किया गली में फेंक दिया कोई, वो ये भी है कि रास्ते से कोई नुकसान देने वाली चीज उठा ली तो वो सदका है, ठीक है, कि ईंट उठा ली, कांटे उठा लिए, चीजें उठा ली, तो अगर आप गली साफ करते हैं तो ये सदका है, सदका जरूरी नहीं कि पैसे ही हो आप दें तो सदका है, ठीक है। तो ये भी जो है, अगर आप टैप जो है चलती रहती है और आप अगर ठीक है चूल्हा जलता रहता है कोई मसला नहीं, अगर आप बंद करते हैं कि यार इससे नुकसान है हमारा, हमारी सोसाइटी का, हमारे कंट्री का, हमारे एनवायरनमेंट का, तो ये अगर आप इसके नियत से बंद करेंगे तो ये सदका है, ठीक है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लंग्स डैमेज, ये बच्चे कोरोना में तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये है, तो आज कल जो है एनवायरनमेंट को साफ रखना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री मेच्योर डेथ्स बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कैंसर डिजीज, बर्थ डिफेक्ट्स, लो बर्थ वेट, द रिस्क ऑफ डिवेलपिंग रिकट्स, हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाना रिकट्स है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स आर इवन प्लेन क्रैशेज, जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है ना फॉग और स्मोक दोनों में, तो एक्सीडेंट ये जनरल है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स जो है ये कैंसर का भी फ्री रेडिकल से होता है, बॉडी में जो कैंसर का मेजर रीजन है वो फ्री रेडिकल ही, एक फ्री रेडिकल आ गया ना वो हाईली रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन करता जाएगा, और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं, O3 और PAN ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हैं जो हम पहले भी बात कर रहे थे, ठीक है, और ये सल्फर के ऑक्सीडाइज कर देते हैं, अमाइनो एसिड जो सिस्टीन है ना, CYSTEN, या वैसे भी याद रख लें ये भी MCQ में सकता है, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो ये भी हो सकता है कि पूछा जाए चार एग्जांपल देके कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, या कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो स्मोक से इफेक्ट होता है, अब ये तो हम ठीक है, तो ये याद रख लें। O3 अब्सॉर्ब इन लंग काजिंग डैमेज ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज में O3 जो है ओजोन आके जो है ना फ्लूड उसमें जम जाता है, फ्लूड जब जम जाएगा तो वो डैमेज हो सकती हैं, और उसके अलावा जो है प्लांट्स और एनिमल्स पे भी इफेक्ट होता है। सॉल्यूशंस क्या हैं, रिमार्केबल सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या हैं स्मोक पोल्यूशन के, सबसे पहला तो है ऑप्ट करना, चूज करना रीन्यूएबल एनर्जी, मैं सोलर एनर्जी यूज की जाए, ठीक है, अब तो गाड़ियां वगैरह जो है बैटरीज पे आ गई हैं, बहुत सी चीजें जो हैं, लेकिन बैटरी भी चार्ज होती है लेकिन फिर भी वो उतना जो है पोल्यूशन काज नहीं करती जितना फ्यूल करता है, ठीक है। इवन के कल जो है खबर थी कि होंडा ने भी अपनी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो लॉन्च कर दी, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इवन के जो इलेक्ट्रिक कार्स जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो दुनिया में अमीर तरीन इंडस्ट्रीज के तौर पे सामने आ रही हैं अभी। अच्छा, और उसके अलावा क्या किया जाए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि रिड्यूस और मैनेज किया जाए, बीमारियों में भी यही होता है कि प्रिकॉशन सबसे अच्छा तरीका होता है, कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना वो ही लें, वो आपने सुना होगा कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, तो यहाँ पे भी रिड्यूस करें मैनेज करें, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर भी मैनेज करें। इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, दुनिया में इस वक्त जो हॉट रिसर्च जो है ना केमिस्ट्री में या केमिकल इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में हो रही है वो अच्छी बैटरीज प्रोड्यूस करने के लिए हो रही है, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है बस, अच्छी बैटरीज के इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, फोन्स वगैरह में भी आपने देख लिया होगा कि बैटरी जो है वो मेजर फैक्टर है, ठीक है। यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाएंगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों, जैसा कि आजकल है कि शॉपिंग बैग्स वगैरह पे बंदी लगा दी है, क्योंकि शॉपिंग बैग वगैरह भी कहाँ करेंगे, पोल्यूशन काज करेंगे, बर्न होंगे, जलेंगे, एनवायरमेंट में जो है वो सूत के या कार्बन के पार्टिकल जाएंगे, ये
जो शॉपिंग बैग्स होते हैं पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीथीन होता है, तो हाइड्रोकार्बन हैं ये भी। ये 3 R's हैं, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस कम करें, ठीक है, और जो है रीयूज करें, ठीक है, और रीयूज चीजों के ज्यादा बार बार यूज करना चाहिए, फेंक रहे, रिसाइकल करें फिर दोबारा। जिस तरह हम ग्लास होता है घरों से रद्दी वगैरह लेके जाते हैं, ताकि वो जो है रिसाइकल पेपर होता है। और चौथा आर भी इसमें है, अब वो है रिकवर, चीजों को रिकवर करें। मेरी जो रिसर्च लैब्स होती है ना, उनमें केमिकल्स जो है ना, जो केमिस्ट्री के केमिकल सबसे महंगी दुनिया में, केमिकल्स ही हर चीज वैसे, तो हर चीज केमिकल है, चाहे वो खाते हैं पीते हैं पहनते हैं, जिस पे नजर पड़ती है, हर चीज केमिकल है। तो उसमें ना, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हमने एवेपोरेट करना है कुछ कोई सॉल्वेंट वगैरह, तो इस तरह ये सारे चीजें रिकवर की जाती हैं, उसको फेंका नहीं जाता। फिर डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएं, और पर्सनल और अपनी हिफाजत भी की जाए, ठीक है, कि बाहर निकले मास्क वगैरह पहने तो ज्यादा बेटर है, जरूरी नहीं है कोरोना की वजह से पहनना है, वैसे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से पहनना है, ठीक है। यही तो ये था जो है स्मोक, ट्राई की है कुछ जो है डिस्कस करने की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पीछे मैंने बता दिया, इसमें डिटेल है, बनती कैसे है, केमिस्ट्री या रिएक्शन एक ही बात होती है, ये बता दी है आपको, किन एरियाज में है वो भी बता दिया, कूल ह्यूमिड एरियाज में कौन सी होती है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे लेक्चर मुझे जो है आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों इम्पोर्टेंट है जॉब्स के लिए। जी नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट जो है मैंने आज एसर बेस का बताया, तो नेक्स्ट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, तो 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे इसको, तो ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बच्चे, जो है लास्ट टाइम तो है कोई स्लाइड्स में वो जो है फाइनलाइज नहीं कर सका था, तो मुझे खुद वो समझ नहीं आई थी लास्ट टाइम, इसलिए जो है लेक्चर जो है रिपीट भी किया, और आप अगर देखेंगे तो पहला लेक्चर जो है वो रिमूव भी कर दिया हुआ है ना यहाँ से, तो ये और लेक्चर भी स्लाइड्स भी चेंज की हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।